हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं यार आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी आप की तरह बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, काफी दिन हो गए थे यार आपसे रूबरू नहीं हुआ था, नई वीडियो नहीं बना पाया था। तो दोस्तों, ये मेरी इस महीने की पहली वीडियो है। जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वो पुरानी बनी हुई थी और ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं यार एक या दो दिन में ये वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा एडिटिंग करके। तो इस वीडियो में क्या नया होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वन ऑफ द माय स्कूल फ्रेंड मोहित, एंड उसके बाद है मेरे मोहित भाई का ये गोप्रो। तो दोस्तों, ये है गोप्रो 10, जो भी लेटेस्ट मॉडल है गोप्रो का। तो इसी के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, उसके मैं फीचर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों को जिनको गोप्रो का नहीं पता होगा, गोप्रो के बारे में नहीं नॉलेज होगी, तो गोप्रो की नॉलेज भी इसमें मिलने वाली है। और गोप्रो क्या है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं और कैसा ये प्रोडक्ट है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और मोहित भाई इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देंगे। तो मिलते हैं यार आपको। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने भाई मोहित को। तो मोहित मेरे यार स्कूल के फ्रेंड है, तो हम दोनों इकट्ठे हमने स्कूलिंग की है, तो भाई से मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो आज भाई मिले और उन्होंने बताया कि यार उन्होंने गोप्रो 10 ले लिया, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको भी दिखाएं गोप्रो 10 जो लेटेस्ट मॉडल है। तो भाई का भी यूट्यूब का चैनल है और चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन है और टाइटल में भी मैंशन होगा। तो भाई का भी चैनल है, तो ये भी अभी काफी दिन से, काफी टाइम से, पिछले 2 साल से वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो ये भी अच्छी वीडियो बनाते हैं और अच्छे वीडियो मेकर हैं। तो और इनके एडिटिंग स्किल्स और बाकी चीजें भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई भी अपने चैनल को कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से, तो इसी सिलसिले में हमारी दोबारा से मुलाकात हुई है और अब दोबारा से हम इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और भाई से भी मिलते रहेंगे और हम नई नई वीडियोज बनाते रहेंगे। तो दिखाता हूं मैं आपको GoPro 10। दोस्तों, ये है GoPro 10 जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये है इसकी रियर स्क्रीन जो कि बड़ी स्क्रीन है। दोस्तों, ये इसकी साइड लुक आप फ्रंट साइड भी देख पाएंगे, इसके फ्रंट साइड भी एक छोटी सी स्क्रीन अवेलेबल है हमारे पास जो कि चलती है, उसमें दिखने को मिलता है, हम उसमें कुछ भी हम देख सकते हैं जो भी हम शूट कर रहे हैं। और जब हम एक व्लॉगिंग के लिए इसको यूज करते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया कैमरा है। अगर हम इसको जैसे मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया कैमरा है, सिनेमेटिक शॉट्स के लिए हर तरह से ये बहुत ही बेहतरीन कैमरा माना जाता है। तो ये है दोस्तों GoPro की किट और अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये है GoPro 10 और बहुत ही अच्छा मॉडल है और बहुत ही बढ़िया अच्छे से तैयार किया हुआ है इसको। और जो ये मॉडल है ये बिल्कुल GoPro 9 के बाद जो GoPro 10 आया है वो मॉडल है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो दोस्तों, ये है बैटरी का केस जिसमें की बल्कि बैटरी चार्ज होने वाली है और यही बैटरी को चार्ज करने वाला है। इसमें एक्सटर्नल बैटरी अलग से अवेलेबल है, वैसे तो इसमें ऑलरेडी एक बैटरी डली हुई है और ये ऑन भी है, मैं आपको ऑन करके भी चेक कराऊंगा कैसे इसमें वीडियो बनती है। और इसमें अलग से हमने 2 तरह की इसमें बैटरीज बाई की हुई है जो कि अलग से बाई की हुई है और दोनों हम बैटरी एक साथ लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कि अगला है हमारे पास वो है इसका गिम्बल जो इसकी स्टिक होती है जिसमें लगकर हम इसे इजी टू रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसे हम ट्राइपॉड की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसे ट्राइपॉड बना सकते हैं और उसके बाद हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास ये एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लिप है जो देखने में तो नॉर्मल आम क्लिप लग रहा है, बट इसका जो फीचर है वो इतना जबरदस्त है कि इसमें हम GoPro को फिट करके इसे कहीं भी लगा सकते हैं और कोई भी लोहे की एक मैग्नेटिक सा है। तो ये इसके अलग से माउंट्स हैं और ये है हेलमेट के लिए, जब इसे हेलमेट में लगाकर पेस्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर हम GoPro को फिट कर सकते हैं। और जो जितनी भी मोटो व्लॉगिंग्स की वीडियो बनती है वो इसी GoPro या फिर ऐसे ही GoPro लगाकर बनती है, ऐसे ही GoPro को फिट करके बनती है। तो इसके साथ अलग से अलग अलग तरीकों के माउंट्स अवेलेबल हैं, तो अलग से जो इसके एक डाटा केबल है जो कि इसको चार्जिंग करने के लिए काम आनी है, एक जो इसमें किट है उसके बारे में है। तो मोहित भाई इसको यूज कर रहे हैं पिछले ज्यादा दिनों से तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसमें पूरे पूरे रैपर लगे हुए हैं, अभी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अभी बाय किया और उसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको मोहित भाई काफी दिनों से यूज कर रहे हैं और मैं बता देता हूँ आपको कि इन्होंने सिर्फ अभी इसमें ज्यादा टेस्टिंग नहीं किया, बट नॉलेज इनकी काफी अच्छी है। तो मोहित भाई से जानते हैं यार कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है GoPro के बारे में और इन्होंने GoPro को क्यों ही चुना। तो मोहित भाई यार क्या कहते हो आप, मतलब आपका, आप तो प्रोफेशनल एडिटिंग करते हो, प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हो, तो आपने GoPro को क्यों चुना? बेसिकली मैंने पहले सोनी का कैमरा देखा था, सोनी GV-E10 okay. जो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। अच्छा, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन बची थी GoPro की okay. या Insta360 की okay. और मैंने GoPro को इसलिए चुना क्योंकि इसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू की वजह से। बिल्कुल। अब ये जो कैमरा है ये काफी वर्सेटाइल है। बिल्कुल। ये 5.7K की रिकॉर्डिंग करता है। क्या बात है, मतलब जो 4K होता था उसके बाद ये सीधा हम 5.7K पे आ गए, क्या बात है। और ये 4K भी 120 FPS पे शूट करता है जो कि 4 times स्लो कर सकते हैं उसको। ओह क्या बात है।
तो जैसे मैं फोन वगैरह में वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हम बनाते हैं 4K 60 FPS, मुझे तो ज्यादा इनकी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी हम जितना हमारे से होता है और हम करते हैं इसके लिए। बट आप तो एक प्रोफेशनल लाइन की हो, आप कैमरास में खेलते रहे हो, आप पैशन है आपका कैमरा। 4K के साथ साथ इसमें 2.7K भी है जो है 240 FPS, जिसका मतलब है कि हम इसको 8 गुना तक स्लो कर सकते हैं। क्या बात है, क्या ही बात है, मतलब 8 अपना क्या कहते हैं 8 गुना तक हम इसको स्लो कर सकते हैं वीडियो को, मतलब काफी ज्यादा। एक वीडियो बनाकर उसमें हम छोटी 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 चीजों को भी हम बिल्कुल आराम से दिखा सकते हैं निश्चिंत होकर। GoPro 10 के साथ साथ एक GoPro 9 भी है। मैंने GoPro 10 ही क्यों लिया जो जबकि ये दोनों देखने में भी सेम है, ब्रांड भी सेम है। बिल्कुल, मैंने ये GoPro 10 ही चूज किया है क्योंकि GoPro 10 जो है इसमें जो फ्रंट स्क्रीन है GoPro 9 के मुकाबले अच्छी है। ओके। और दूसरी बात जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 4K जो वीडियो है वो 120 FPS तक शूट होती है और जो GoPro 9 है उसमें ये नहीं होता। और ये लेटेस्ट है और इसका प्रोसेसर जो है वो भी इससे लेटेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 5000 का डिफरेंस था जो मुझे इसके ऊपर वर्थ लगा अपग्रेड करने के लिए। तो सही है यार, इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको इसके शॉर्ट्स अलग अलग और देखना आप सिनेमेटिक शॉर्ट्स। तो दोस्तों ये थे सिनेमेटिक शॉर्ट्स जो कि आपने देखे, मैंने GoPro 10 से लिए थे। तो दोस्तों ये है इसका व्लॉगिंग सैंपल कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो इसमें कैसा रहता है, कैसे इसके आउटपुट आती है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जो इससे पहले की वीडियो है वो मैंने शूट की थी 12 प्रो से जो कि एप्पल का फोन है, और उसके बाद अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ व्लॉगिंग को उसके वो मैं शूट कर रहा हूँ GoPro से। तो दोस्तों आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप भी फर्क देख सकते हैं और मैं भी फर्क देखूंगा। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो चेकिंग में ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी और क्या क्या कैसा रहता है इसका रिजल्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे देखने में और बेहतरीन था, मजा आ गया। इजी टू यूज है, हैंडी है और हम कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। मतलब एज फोन के कंपैरिजन कहूँ तो इसमें काफी कुछ हमें फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं देखने में कि ये बहुत हमारे यूजफुल है जो कि वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और काफी इसे मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो काफी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं नई नई जगह को एक्सप्लोर करता रहता हूं और नई नई ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। जो भी मेरे पास नया कुछ आता है कंटेंट देखने को, मुझे जो अच्छा लगता है मैं जरूर चाहता हूं कि आप लोगों को भी वो चीज दिखाऊं। सो मिलते हैं यार आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।